नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। तो हम अयोध्या चलेंगे, लेकिन ये भी बता दें आपको, महाराष्ट्र में नामांकन खत्म हो गए लेकिन टिकट की टेंशन अभी बाकी है। इस पर हम विस्तार से आगे जाएंगे, लेकिन पहले ही हम अब चलते हैं अयोध्या, क्योंकि अयोध्या नगरी में इस बार दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। आज अयोध्या में करीब 25 लाख दीपों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा हुआ है। आज पहला दीपक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कुछ पलों पहले ही जलाया अपने संबोधन के बाद, और इस साल जनवरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये पहला दीपोत्सव है। और कहा जा रहा है कि त्रेता युग की तरह सजाई गई है अयोध्या नगरी। लाखों की संख्या में दिए 55 घाटों पर लगाए गए हैं। अवध विश्वविद्यालय के 30,000 वॉलंटियर्स की मेहनत से ये रौनक नजर आ रही है। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी रणवीर सिंह के पास, हमारे सहयोगी जो अयोध्या में मौजूद है। रणवीर, बहुत सुंदर लग रही होगी इस समय अयोध्या नगरी। निश्चित तौर पे, क्योंकि ये बड़ा मौका है। बड़ा मौका इसलिए कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद ये पहली दीपावली का त्यौहार है और पहला दीपोत्सव है। आप जो टीयर्स है वो लगभग 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के दायरे। तो हम रणवीर को सुनने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं सरयू के जो घाट हैं, करीब 55 घाट हैं ये ड्रोन के जरिए लिए गए शॉट्स हैं। और 55 घाटों में करीब लक्ष्य है, कहा जा रहा है 25 लाख से ज़्यादा दीपों को प्रज्वलित करने का है। और यहाँ पे ये वो दृश्य आ रहे हैं कि कुछ देर पहले हमने देखा मुख्यमंत्री ने पहला दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद से जो यहाँ पर वॉलंटियर्स पहुँचे हुए हैं वो दीपों को प्रज्वलित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ज़रा बताइए वहाँ पे इस समय की किस तरह से जगमगा रही है अयोध्या। देखिए, जगमगाने की शुरुआत हो चुकी है। घाटों पे थोड़ा सा अंधेरा किया गया है जानबूझकर, ताकि जैसे जैसे इस अंधेरे के बीच में दिए जलते जाएंगे वैसे वैसे रोशनी होती जाएगी। इंतजाम रोशनी का पर्याप्त है, लेकिन इस वक्त हल्की रोशनी रखी गई है क्योंकि दियों से घाटों को जगमग करना है। 25 लाख दिए, 28 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिसमें से कुछ दिए नहीं जलेंगे। तो 25 लाख दिए जला करके एक ऐसी छटा बिखेरने की कोशिश होगी कि ये पूरा सरयू का घाट सिर्फ और सिर्फ दियों से जगमगाएगा। और कई जगहों पर जय श्री राम की आकृति लिखी गई है, कई जगहों पर दिए बनाए गए हैं, कई जगहों पर अलग अलग कलाकृतियां की गई हैं दियों के जरिए, और कई जगहों पर दिए ब्लॉक्स में रखे हुए हैं और वॉलंटियर्स तैयार हैं। कई दिनों की मेहनत इन वॉलंटियर्स की, क्योंकि ये विश्व रिकॉर्ड बनने का एक मौका उनके पास है। पिछले साल भी ये विश्व रिकॉर्ड बना था और इस बार भी ये जो वॉलंटियर्स हैं अपना विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए धूप में मेहनत कर रहे हैं और कई दिनों की मेहनत कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सरयू घाट पर आरती में शामिल हो रहे हैं, और इस वक्त जब सरयू आरती की जो तस्वीर आ रही है उसमें सरयू के घाट सजाया गया है, इस तरह सजाया गया है जैसे त्रेता में सजाया गया था। और इस वक्त वहां पर 1100 पुरोहितों की मौजूदगी में आरती होगी। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि एक पौराणिक अयोध्या जो दिए जलाती है और अपने रामलला का स्वागत करती है, और एक आधुनिक अयोध्या जो लेजर शो देखती है और ड्रोन शो देखती है, तो दोनों का एक समागम यहाँ पर एक फ्यूजन दिखाई दे रहा है। और इस फ्यूजन को देखने के लिए लाखों लोग अयोध्या में मौजूद हैं। तो एक ऐसी तस्वीर इस वक्त अयोध्या के घाटों पर दिख रही है जो दिखा रही है कि जब त्रेता में रामलला आए थे 14 साल के वनवास से, 14 साल पहले जब अपना महल छोड़ करके वो गए थे, तब से अयोध्या के लोग अपनी रामलला का इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद भगवान राम बन करके जब रामलला लौटे तो अयोध्या के लोगों ने अपने रामलला का जब स्वागत किया था उसकी कोशिश है। तो यहाँ पर अब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने की तैयारी हो चुकी है, जो थोड़ी देर में संभव है कि जैसे ही 22,25,000 से ज्यादा दिए जलेंगे वैसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन इसको 22,25,000 नहीं बल्कि 25 लाख पार करने का एक लक्ष्य है, और उसको पूरा करने के लिए वॉलंटियर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं। सड़कों को सजाया गया है, मठों मंदिरों को सजाया गया है, यहाँ पे गलियों को सजाया गया है, लोगों ने अपने घरों को सजा रखा है। और एक इस तरह की यहाँ पर घाटों पे जो मठ हैं उस पर लेजर शो का इंतजाम किया गया है। तो हर तरह से जगमग अयोध्या एक
उल्लास और उमंग महसूस कर रही है और इस उल्लास और उमंग को देखने के लिए न सिर्फ अयोध्या के लोग हैं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। बड़ी स्क्रीन लगाई गई है अयोध्या के घाट पर ताकि दूर से भी लोग जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयोजन हो रहा है उसको देख सके। पेड़ों पर झालर सजाए गए हैं, सड़कों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं और साथ ही जब ड्रोन उड़ रहे हैं आसमान में और वो ड्रोन थोड़ी देर में एक शो करेंगे जिसमें अलग अलग आकृतियां उकेरी जाएंगी। तो अयोध्या के घाट इस वक्त आधुनिकता और पौराणिकता दोनों को समेटे हुए तैयारी कर रहे हैं विश्व में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने की जहां 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर हैं, दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक और प्रसाद मौर्य वो यहां मौजूद हैं, पर्यटन मंत्री अलावा सूर्य प्रताप शाही जो प्रभारी मंत्री है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, मेयर है, तमाम सारे नेता बड़े अधिकारी मौजूद है और सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम है क्योंकि इतना बड़ा आयोजन और इस बीच में जिस तरह से विमानों और ट्रेनों को धमकियां मिल रही थी, होटल्स की धमकियां मिल रही थी, ऐसे में कोई गड़बड़ी अयोध्या में ना हो इसके लिए बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। हर तरफ हाईवे से लेकर के शहर के अंदर तक बड़े स्तर पर पुलिस वाले लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई हैं ताकि कोई किसी तरह की गड़बड़ी भी ना हो और लोग अच्छे से अपना त्यौहार मना सके, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके। तो इसके लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें दियो तो दिए जलने शुरू हो चुके हैं, अगले कुछ मिनटों में संभवतः एक घंटे के अंदर जो विश्व रिकॉर्ड है वो बन जाएगा और अयोध्या के लोग भी साल भर जिस दिन का इंतजार करते हैं वो इंतजार भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, दीपोत्सव शुरू हो रहा है और इस वक्त जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ हर तरफ रोशनी है, कहीं हरी रोशनी, कहीं गुलाबी रोशनी, कहीं पीली रोशनी, तो अलग अलग रंग और अलग अलग रंगों के बीच में जो दियों की जगमगाहट है वो अब दिखनी शुरू हो गई है। एक टाइम आएगा जब अनाउंसमेंट होगा ये वॉलंटियर्स यहाँ घाटों से हटेंगे और घाट पर सिर्फ और सिर्फ चलते हुए दिए दिखाई देंगे तो वो भी तस्वीर अलौकिक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथों में आरती लिए हुए मुख्यमंत्री इस वक्त देखिए सभी को प्रणाम कर रहे हैं, साथ में पीछे तमाम बड़े लोग और साथ में 1100 ऐसे लोग जो इस आरती में शामिल हुए। तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जिन्होंने 2017 में सोचा था कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अभी नहीं आया लेकिन हम 2017 में ही दीपोत्सव करेंगे, 2019 वो तारीख 9 नवंबर की जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद से 2020 जब मंदिर का शिलान्यास हुआ और 2024 जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो 2017 से इस दीपोत्सव की शुरुआत हुई और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के पक्ष में आया, इस बीच मंदिर का शिलान्यास हुआ और इस बीच मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका जब यहाँ पर दीपोत्सव हो रहा है। सरयू के घाट पर अंधेरा कर दिया गया है क्योंकि सिर्फ आरती को जो आरती लिए हुए मुख्यमंत्री और जो तमाम सारे लोग हैं वो सरयू को प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सरयू के घाट पर लाइटें बंद करके आरती हो रही है और साथ ही राम के धुन गाए जा रहे हैं, राम की स्तुति की जा रही है, पूजन किया जा रहा है। तो ये अयोध्या का नजारा है जहाँ सरयू के घाट पर आरती भी है और सरयू के घाट पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी, और न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी ड्रोन उड़ा करके एक शो करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो थोड़ी देर और जब प्लान है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, सुबह झांकी निकली, झांकी निकलने के बाद रामलला का मुख्यमंत्री ने राज्याभिषेक किया, उसके बाद रथ पर बिठा करके रामलला को आगे लाने का काम भी मुख्यमंत्री ने किया और फिर पूजन हवन के बाद अब सरयू की आरती और सरयू की आरती के बाद फिर दीपोत्सव का वो मौका जब दीपोत्सव में हजारों 30,000 वॉलंटियर्स अपने दिए जला करके घाटों से पीछे हटेंगे और सिर्फ इस घाट पर दिए ही दिए दिखाई देंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, वो लगातार जितने दिए जलते जा रहे हैं उनको गिनते जा रहे हैं और गिनती पूरी होते ही अनाउंसमेंट होगा और घोषणा होगी कि विश्व रिकॉर्ड बन गया। पिछला भी विश्व रिकॉर्ड अयोध्या के नाम, उसके पहला भी विश्व रिकॉर्ड अयोध्या के नाम, और हर बार अयोध्या खुद दिए जलाता है, खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ता है क्योंकि इस तरह की कभी भी कोई दृश्य शायद दुनिया में नहीं देखा जाता क्योंकि एक साथ 25 लाख दिए जलाने का जो काम है वो अयोध्या में चल रहा है और अब थोड़ी देर में
वो भी पूरा हो जाएगा। तो लोगों में खासा उत्साह और इस वक्त हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स के अलावा लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सड़कों पर, गलियों में, हर जगह श्रद्धालु और भक्त इस वक्त अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं। खुद यहाँ पे जो मुख्य अतिथि हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रभारी मंत्री, पर्यटन मंत्री और तमाम जो नेता हैं वो सब मौजूद हैं। और आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया कि जो अयोध्या विकास से छूती थी उस अयोध्या में विकास भी किया गया, और जो सवाल होते थे कि मंदिर कब बनेगा वो सवाल का जवाब भी मिल गया है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अयोध्या वासियों के को बताया कि विकास भी जरूरी था और मंदिर भी, वो सब कुछ हुआ, और इसीलिए रामलला जो अयोध्या के लोगों के आराध्य हैं उनके स्वागत में अयोध्या को किस तरह से सजाया जाए इसके लिए जो तैयारी की गई है इस वक्त वो तैयारी अपने चरम पर है। इस वक्त दिए जलाने की जो कोशिश वॉलंटियर्स कर रहे हैं वो अपने चरम पर है, और ये चरम तब पूरा होगा जब 25 लाख दिए जल जाएंगे, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा और अयोध्या के लोग एक बार फिर जो अपने रामलला हैं उनके स्वागत की जो तस्वीर है उसको महसूस करेंगे कि कैसे त्रेजा में अयोध्या के लोगों ने अपने रामलला का स्वागत किया है। जी जी जी, आप बता रहे थे कि ये जो 55 घाटों में अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स हैं, और जरा बताइए जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पर्यटक भी हैं कि अभी ये लोग ही हैं जो दिए जला रहे हैं, थोड़ा लोगों के बारे में बताइए, उनसे बातचीत हुई आपकी, क्या कहना है उनका इस रिकॉर्ड के बारे में और आज के जो जिस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है उस पर? देखिए, जो घाट पर दिखाई दे रहे हैं वो सब वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि घाटों पर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई है और किस तरह से बिना दियों को नुकसान पहुंचाए दियों को जलाना और कैसे हटना है, लेकिन आम लोगों को इसकी ट्रेनिंग नहीं है इसलिए आम लोगों को यहां अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन घाटों के पीछे जो सीढ़ियां बनाई गई हैं उन सीढ़ियों पे कुछ आम लोग यहाँ पहुंचे हैं, कुछ लोग अभी सड़कों पर हैं जो आने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो भी सब आएंगे, वो भी सब सरयू में आचमन करेंगे, वो भी सब सरयू माँ का आशीर्वाद लेंगे और वो सब लेजर शो और साथ साथ जो ड्रोन का शो है वो देखेंगे। हमने लोगों से बात की, लोग एक्साइटेड थे क्योंकि ये पहला मौका था जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव था, इसलिए लोग आना चाहते थे, इसलिए लोग जानना चाहते थे कि कैसी दिखेगी अयोध्या। 25 लाख दियों का टारगेट था और इस वजह से जो एक्साइटमेंट था वो एक्साइटमेंट यहाँ लोगों को बर्बरसी खींच लाया। इतनी ज्यादा भीड़ लेकिन बावजूद उसके लोगों का हौसला कम नहीं हुआ, हाईवे से गाड़ियां बंद लेकिन लोग पैदल यहाँ घाटों तक आने को तैयार, और इस बीच में तमाम सुरक्षा के बंदोबस्तों को पार करते हुए लोग आ रहे हैं। तो ये जाहिर है कि इतनी परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ती है और लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं, तो ये लोगों की आस्था है और इस आस्था की वजह से यहाँ पर लाखों की भीड़ अयोध्या के घाट के पास मौजूद है। घाट पर वॉलंटियर्स हैं और सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन जो लोग हैं उन सब में एक्साइटमेंट है, उन सब में खुशी है, उन सब में उल्लास और उमंग है, मुस्कुराते हुए चेहरे घाटों को निहार रहे हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि 25 लाख दिए साथ जलते हुए शायद ना इससे पहले कभी किसी ने देखा, और अगली बार कितने दिए होंगे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक ऐतिहासिक मौका और इस ऐतिहासिक मौके का साक्षी बनने के लिए दूर दराज से लोग आए हैं, और न सिर्फ अयोध्या से बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग से बता रहे हैं। साल दर साल अयोध्या में रिकॉर्ड बनता है और इस साल 25 लाख दीपों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। 55 घाटों में सरयू नदी के दीप प्रज्वलित किए गए हैं। एक टारगेट यहाँ पर आपको बता दें, किस तरह से गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लोग भी प्रतिनिधि मौजूद हैं, और एक बार फिर से ये विश्व रिकॉर्ड बन रहा है अयोध्या नगरी में, जो दीपों से आज प्रज्वलित है और जगमगा रही है। तो यहीं पर हम ये दृश्य आपको लगातार दिखाते रहेंगे आगे भी, फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। आइए आपको फिर से हम ये अयोध्या नगरी ले चल रहे हैं। यहाँ पर एक तो दीपोत्सव चल रहा है आज छोटी दिवाली के अवसर पर, करीब 25 लाख दीपों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य है। तो दूसरी तरफ हम देख सकते हैं लेज़र शो हो रहा है, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं और एक बड़ा उत्सव यहाँ पर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है।
इस साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार यहाँ पर इस तरह का भव्य आयोजन हो रहा है। अपने आप में ये बहुत ऐतिहासिक भी है, जिस तरह से जो लक्ष्य रखा गया है 25 लाख दीपों को प्रज्वलित करने का। 2017 से हर साल जो दीपों की संख्या बढ़ाई जा रही है, विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी बनने का पूरी तैयारी है। 25 लाख दीपों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। 55 घाटों पर सरयू नदी के यहाँ पर अमृत विश्वविद्यालय के 30,000 वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको ख़ास तौर से ट्रेन किया गया है दीपों को प्रज्वलित करने के लिए। हमारे सहयोगी रणवीर हमें बता रहे थे और किस तरह से किया जाता है और पूरे इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, सुरक्षा के भी इंतज़ाम है, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, अर्धसैनिक बलों को बड़ी मात्रा में तैनात किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। और मुख्यमंत्री ने आज सुबह कुछ समय पहले संबोधन किया और उसके बाद पहला दीप प्रज्वलित किया, सरयू में आरती की गई और यहाँ पर एक तरफ दीपों को प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ लेज़र शो चल रहा है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कहा जा रहा है, किया जा रहा है और रंगारंग कार्यक्रम है। हम कुछ समय पहले देख रहे थे लोग किस तरह से नृत्य कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। दीपावली का त्यौहार है, कल बड़ी दीपावली है, आज छोटी दिवाली का त्यौहार है और इस तरह से यहाँ पर रौनक अयोध्या नगरी की खास तौर से देख सकते हैं बिखरी हुई है। और ड्रोन के शॉट से वो उससे आंकलन हम कर सकते हैं कि कितना लंबा है सरयू का तट और ये किस नाव में बैठकर राम भगवान लक्ष्मण सीता आ रहे हैं और ये पूरी झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं एक तरह से ड्रोन्स के ज़रिए। वो दृश्य दिखाया जा रहा है किस तरह से सरयू नदी के 55 घाटों में यहाँ पर दीपों को प्रज्वलित किया गया है। ये चार तस्वीरें आप देख सकते हैं अयोध्या नगरी की रौनक की, जो यहाँ पर किस तरह से खूबसूरती से वो जगमगा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला दीप प्रज्वलित किया और यहाँ पर वो आरती करते हुए भी एक तस्वीर में नज़र आ रहे थे। हमारे सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, तो अपने आप में आज बहुत सुंदर लग रही है अयोध्या नगरी, जगमगा रही है और हम देख सकते हैं यहाँ पर मंचन भी हो रहा है रामायण का एक तरह से। पंकज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहुत सुंदर लग रही है अयोध्या नगरी और हम देख सकते हैं यहाँ पर रामायण का मंचन भी हो रहा है, एक तरफ दीपोत्सव हो रहा है तो दूसरी तरफ लेजर शो भी हो रहा है। देखिए, अयोध्या की महिमा ही अपरंपार है और इस अयोध्या को आपको बताऊं कि जो लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए वो अयोध्या को अयोध्या जी कहते हैं। और आज तो बिल्कुल नई अयोध्या है, बदली बदली से अयोध्या है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल किया था, तो भगवान राम के नगरी में ये पहली दिवाली होगी जब राम मंदिर बन चुका है अयोध्या का भव्य और दिव्य राम मंदिर। और अयोध्या में अगर सरयू किनारे की आज अगर देखें माहौल, हम अगर उसका जिक्र करें तो बिल्कुल राममय है माहौल। और दोपहर से जब पुष्पक विमान जो एक हेलीकॉप्टर के जरिए भगवान राम सीता इन सब की आरती खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे। और अभी सरयू किनारे में जगमग कर रहे हैं 28 लाख दिए। और ये हर साल जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से ये परंपरा शुरू हुई है कि दिवाली से एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन, अयोध्या में दिवाली मना ली जाती है। और आज वही हो रहा है। अभी सरयू किनारे में जहाँ दिए जगमग कर रहे हैं वहीं पर अभी थोड़ी देर पहले सरयू आरती खत्म हुई। ये सरयू आरती की भी परंपरा जैसे काशी में, वाराणसी में गंगा किनारे में गंगा मैया की आरती होती है, वैसे ही यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरयू जी की आरती शुरू हुई। योगी आदित्यनाथ ने खुद आरती की, उनके साथ तमाम मंत्री भी थे। और अब वहाँ पर राम कथा के अलग अलग जो प्रसंग है ना, उनका मंचन हो रहा है। और उसके बाद एक भव्य और दिव्य जो लेजर शो होता है,
और खास तौर से जब लेजर शो की छाई परछाई जो कहते हैं जब वो सरयू की नदी पर पड़ती है तो उसकी एक अद्भुत छटा होती है। हजारों लोग सिर्फ यूपी से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए, आज इस दिवाली को देखने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए, उसके गवाह बनने के लिए। रणवीर हमें बता रहे थे पंकज कि किस तरह से अवध विश्वविद्यालय के करीब 30,000 वॉलंटियर्स उनको ट्रेन किया गया है कि दीपों को कैसे प्रज्वलित करना है, क्योंकि ये अपने आप में अयोध्या नगरी कुछ सालों से एक विश्व रिकॉर्ड लगातार बना रही है और इस बार भी करीब 25 लाख दीपों का, उन्होंने हमें बताया जब लाइव कर रहे थे, उनका रिकॉर्ड बनाया गया। उन्होंने 25 लाख दीपों को प्रज्वलित किया जा रहा है और कुछ ही देर में ये घोषणा भी हो जाएगी कि किस तरह से ये विश्व रिकॉर्ड अयोध्या ने एक बार फिर बनाया है। और जो बिल्कुल नए तकनीक है लेज़र शो, वो भी अपने आप में है, तो पुरातत्व और प्राचीन और नवीन तकनीकों का यहाँ पे मिश्रण हम देख सकते हैं अयोध्या में। बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय हम तस्वीरों में देख रहे हैं जो लेज़र शो का यहाँ पर मंचन हो रहा है। इसकी बहुत भव्य तैयारियाँ की गई हैं, सुरक्षा के भी बहुत बड़े इंतज़ाम किए गए हैं। ख़ास तौर से आज सरयू की छटा बहुत सुंदर दिख रही है। ब्रेक ले लेते हैं और एक देश की बात में फिर लौटते हैं। आइए आपको एक बार फिर से सीधा अयोध्या एक बार लिए चल रहे हैं। यहाँ पर आज अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही है, करीब 25 लाख दीपों को प्रज्वलित आज किया जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें जो 55 सरयू नदी के जो तट हैं, घाट हैं, वहाँ पर ये कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम का इसका आयोजन किया गया है। एक तरफ दीपों का प्रज्वलन किया गया है तो दूसरी तरफ लेज़र शो चल रहा है जिसमें रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, रामायण के कई अंशों का मंचन भी यहाँ पर हो रहा है। पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इस बार जो है जो काफ़ी खास नज़र आ रहा है दीपोत्सव, एक तो दीपों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य है और जो कार्यक्रम भी हो रहा है वो भी अपने आप में अनूठा है। देखिए, इस बार बहुत अनूठा है और सबसे अलग भी है। 500 सालों बाद ये मौका आया है जो कहा जा रहा है। पहली बार ये हुआ ना कि राम मंदिर पूर्ण रूप से बन गया है और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इसी साल हुई है, तो ये दिवाली तो मतलब सदियों बाद ऐसी दिवाली कही जा रही है। लाखों दियों की रोशनी से जगमग है आज अयोध्या और इसीलिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए सबसे पहले रामलला के दरबार में वो गए, वहां भी उन्होंने दिया जलाया। अभी मेरे सामने में अगर अभी आप बात करें वहां पे सरयू घाट के किनारे, जिसको वहां ना जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी है, वैसे ही अयोध्या जी में राम की पैड़ी है सरयू नदी के किनारे, वहीं ये लेजर शो होता है। लाखों दिए हैं के बीच में लेजर शो हो रहा है और राम कथा के अलग अलग प्रसंगों का मंचन हो रहा है। और इस बार 25 लाख दिए जलाने का, एक साथ 25 लाख दिए, और ये तैयारी कोई आज आप देख रही हैं पर इसकी तैयारी पिछले कई हफ्तों से हो रही होती, क्योंकि एक साथ लाखों दिए, उसमें फिर बाती लगाना, फिर उसमें तेल डलाना, फिर सबको जलाना, उसके लिए पूरी वॉलंटियरों की फोर्स खड़ी की जाती है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, दियों में लगातार तेल उसमें डालते रहना होता है। लेजर शो के बाद आपको बताऊं कि वहां पर आतिशबाजी भी होगी, बहुत सारे पटाखे, जैसे वो एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जाती है उसी वक्त की, उसी दौर की, जब भगवान राम वनवास के बाद जब लौटे थे अयोध्या में, तो कैसा रहा होगा, कैसी रही होगी अयोध्या नगरी, उसी तरीके से एक एम्बियंस बनाने की कोशिश की जाती है। और भव्य और दिव्य दिवाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, इसको इसीलिए इस बार खास बनाया गया है। बिल्कुल पंकज, बहुत ही सुंदर हम देख सकते हैं आज अयोध्या नगरी किस तरह से दिख रही है। और आपने बताया ये जो तस्वीरें अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं रामायण के कई जो दृश्य, उनका यहाँ पर मंचन किया जा रहा है और लेज़र शो भी अपने आप में हो रहा है, जो हम देख सकते हैं बिल्कुल अनूठा है। फुल स्क्रीन पर ये दृश्य दिखाए जा रहे हैं दीपों के प्रज्वलन के बाद यहाँ पर ये रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा के भी बेहद खासे इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पर आज अयोध्या नगरी में। बेहद खास, बेहद उम्दा और बहुत ही खूबसूरत दीपावली का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम देख सकते हैं एक तरह से
रामायण के प्रसंगों का जो मंचन हो रहा है उसपे लेजर शो के जरिए भी ये मंचन यहाँ पर किया जा रहा है। मुझे फिलहाल एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। भूटान में अडानी समूह 1000 वर्ग किलोमीटर में सौर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने की योजना पर काम कर सकता है। वहां बन रहे मेगा सिटी प्रोजेक्ट गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के लिए आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर सरकार कई समूहों से बात कर रही है और अडानी समूह से बहुत ऊंचे स्तर पर बातचीत जारी है। ये बात गेलेफू के नए गवर्नर लोते शेरिंग ने एक इंटरव्यू में कही है। लोते शेरिंग ने जानकारी दी है कि इन सौर ऊर्जा के प्लांट्स के लिए कई 100 जगहों की पहचान की गई है। इसके अलावा वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ड्राइव पोर्ट बनाने की योजना पर भी बातचीत चल रही है। तो इस अवसर पर अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, हिज मैजेस्टी भूटान नरेश जिगमे खेसर नामग्येल वांगचुक से मिलने का सम्मान प्राप्त हुआ है। भूटान को लेकर उनके दृष्टिकोण और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के लिए उनके महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान की प्रेरणा मिली है, जिसमें बड़े कंप्यूटिंग सेंटर और डेटा संस्थान शामिल हैं। इस परिवर्तनकारी पहलकदमियों के अलावा कार्बन नेगेटिव देश के लिए ग्रीन एनर्जी के प्रबंधन में साझेदार होने के लिए उत्सुक हों।